प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में रविवार को आए भवंडर में महाकाल लोक की सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 8 महीने पहले लोकार्पण हुए महाकाल लोक में मूर्तियां खंडित होने पर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कहा कि बाबा महाकाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने जहां अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं एक दूसरे को अब किसी भी मुद्दे पर बक्सने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में पिछले दिनों उज्जैन के महाकाल लोक में बवंडर के से हुई सप्त ऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने से नाराज कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बुधवार को इंदौर में कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधीर भारती के नेतृत्व में राजवाड़ा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधीर भारती ने बताया कि हाल ही में महाकाल लोक उज्जैन में तेज हवा के कारण प्रतिमाएं टूट गई। यह भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी का सबूत है कि जहां मार्बल की प्रतिमा लगवाना प्रस्तावित थी, वहां प्लास्टिक की खराब क्वालिटी की प्रतिमाएं लगा दी गई। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वहीं शहर प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। सर, यह विरोध प्रदर्शन है, अनोखा विरोध प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर प्रकोष्ठ है हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके अध्यक्ष सुधाकर भारती, उनके नेतृत्व में आज यहाँ हवन चल रहा है, सद्बुद्धि हवन चल रहा है। जिस तरह कल महाकाल लोक में, बाबा महाकाल की नगरी में, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से प्रोपोगंडा करा, माहौल बनाया कि हमने महाकाल लोक इस तरह से बनाया, उस तरह से बनाया, और कल जरा सी आंधी के अंदर 7 सप्तऋषि की मूर्तियां लगी थी और 6 सप्तऋषि की मूर्ति गिर गई। एक एक मूर्ति का बजट 40-40 लाख रुपये लिखा गया और मात्र फाइबर की मूर्तियाँ बना दी गई। आपने भक्तों को भगवान से दूर करने का काम शुरू कर दिया है। उनको अभी इतना भी डर नहीं है कि राजा महाकाल तीनों लोगों के देवता हैं, उनका अगर त्रिनेत्र खुल गया तो उनका क्या हर्ष होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का भी हर्ष वही होने जा रहा है, जिस तरह कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगकर वो चुनाव में गए थे मगर उनको बजरंगबली ने सबक सिखाया। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में राजा महाकाल उनको 2023 में सबक सिखाने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि धर्म के नाम पे जनता को भड़काया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कतनी करने धर्म के नाम पे, उनके पास 5 चीज तो हैं। पाकिस्तान की बात सुबह उठ के करते हैं, धर्म की बात सुबह उठ के करते हैं, गांधी परिवार की बात रोज सुबह उठ के करते हैं, नेहरू परिवार की बात रोज सुबह उठ के करते हैं। ये 5 ही चीज़ तो है जो सुबह और शाम को दोनों जगह उनको 2 डोज डॉक्टर ने लिख के दे रखे हैं कि 5 गोली आपको इन नामों की खाना सुबह और 5 गोली उन नामों की शाम को खाना। इसके अलावा ना तो उनके पास में कोई बेरोजगारी के विषय में कोई बात करने, ना किसानों के विषय में कोई बात करेंगे, ना महिलाओं के विषय में कोई बात करेंगे। ये 5 चीज़ों के लिए बात करते हैं। कहीं ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस भी उससे अछूती रही है कि जब महाकाल का बाबा का जब पूरा सर्जरीकरण चल रहा था तो कांग्रेस को भी जाके एक बार थोड़ा देखना चाहिए? नहीं, हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक है महेश परमार जी, उन्होंने कई बार इस मामले को उठाया, पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों रुपये का पैसा जब जेबों में आ जाता है तो आदमी की आंखों पे बड़ा चश्मा लग जाता है, और जब वो चश्मा लग जाता है तो वो किसी को ना देखता है ना सुनता है। तो भ्रष्टाचार रूपी चश्मा इस बार 2023 में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के आंखों पे से उतारने जा रही है। आज विरोध प्रदर्शन है, ये कैसा विरोध है? हम यहाँ पर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ये यज्ञ जो चल रहा है ये सरकार की सद्बुद्धि के लिए है, जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, जो सरकार हमसे 70 सालों का हिसाब मांगती है, वो महाकाल बाबा के मंदिर में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब नहीं दे पा रही है। वहाँ लोकायुक्त कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर चुका है, लेकिन सरकार उन शिकायतों के लिए आगे अनुमति नहीं दे रही है कार्रवाई करने की, और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि हमारे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वहाँ पर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो आज तक ये सरकार हिसाब नहीं दे पाई। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार महाकाल कॉरिडोर में हुआ है। ऐसे ही कई धार्मिक कार्यों में और धर्म का आडंबर करके ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये वोट और नोट की राजनीति करते हैं, धर्म का कार्य करके ये वोट बटोरते हैं और उसी धर्म के कार्य करने के दौरान ये नोट भी बटोरते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। ये जो मूर्तियाँ अभी हवा में, कई मूर्तियाँ गिर गई है जी, और हाल ही में अभी मोदी जी ने किया था यहाँ पर उसका लोकार्पण। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये देश में सिर्फ
इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी दुकान चला रही है, देश तो भगवान चला रहा है। मूर्तियां जो गिरी इसका विरोध कैसे करते हैं आप? मूर्तियां सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिर गई है। हमारे बच्चों को जब हम कभी बचपन में दिखाते थे तो हम बोलते थे कि ये देखिए सप्त ऋषि, ये तारामंडल है। आज उन ऋषियों की कितनी गरिमा है और उन मूर्तियों को जो प्लास्टिक, जब मार्बल की मूर्तियाँ बनाने के लिए वो निर्देशित था तो आपने ये प्लास्टिक की मूर्तियाँ क्यों लगाई? क्या भ्रष्टाचार है इसमें? भ्रष्टाचार बेतहाशा है और इस और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मंदिरों को जीडीपी के रूप में लेती है। मंदिरों की आय को इन्होंने, महाकाल मंदिर की आय को इन्होंने अन्य विकास कार्यों में लगाया तो बहुत ही ज़्यादा, और उस विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस बिल्कुल शिकायत करेगी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को बरगला रही है। आपका नाम? मैं सुधीर भारती, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ युवा इकाई। फिलहाल महाकाल लोक में हुई 6 मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के आरोपों का भाजपा किस तरह से जवाब देती है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।